हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मूवी रिव्यू करने वाले सरदार उधम, जो कि एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है। कल रात 12 बजे ये फिल्म अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने और इसकी स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे विकी कौशल, जिन्होंने इस फिल्म में सरदार उधम सिंह के कैरेक्टर को प्ले किया है। दोस्तों, ये जो फिल्म है वो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड फिल्म है। अपने देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, हजारों लोग शहीद हो गए, तब कहीं जाकर आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हो, ये आजादी भी हमें उन शहीदों की वजह से मिली है। इसलिए आज का जो वीडियो है, मैं उन शहीदों के नाम समर्पित करता हूँ। दोस्तों, अपने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, शहीद हो गए, तो ऐसे में उन शहीदों के बारे में हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। उसी में से एक है शहीद उधम सिंह, जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है। लेकिन फिल्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको शहीद उधम सिंह के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ लोग जो है वो फिल्म को एक फिल्म की तरह देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म को एक फिल्म की तरह ना देखते हुए कि उस वक्त एक्चुअल में क्या इंसिडेंट हुआ था और वो शहीद उधम सिंह कौन है, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। शहीद उधम सिंह, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी, क्योंकि उन्होंने माइकल ओ डायर इसको भरी सभा में गोली मार दी थी। अब ये माइकल ओ डायर कौन है जिन्हें सरदार उधम सिंह ने गोली मार दी थी, ये जानने के लिए आपको 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जहां जालियांवाला बाग उस मैदान पे हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। तो उधम सिंह की कहानी जो है वो उसी जालियांवाला बाग से ही शुरू होती है। 1919 में जालियांवाला बाग के उस मैदान पे हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं एक मीटिंग के लिए, और उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि ये मीटिंग सफल हो। और उस वक्त जनरल डायर और माइकल ओ डायर, इन दो अधिकारियों ने अपने सिपाहियों को उन जालियांवाला बाग में जितने भी लोग हैं उन सब पे गोलियां मारने का आदेश दे देता है। सिपाहियों से कहते हैं कि जो भी वहां पे दिखेगा उसे गोली मार दो। तो ऐसे में चारों ओर से अंग्रेज सिपाही जालियांवाला बाग में जितने भी हमारे सिख भाई थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। ऐसे में 2 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं पूरे 20 मिनट तक कंटिन्यू फायरिंग की जाती है। उस मैदान में कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। गोलियों की आवाज की वजह से लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग गोलियों से मर गए तो कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर कुचलने की वजह से मर गए। तो कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां पे एक छोटा सा कुआं था, उस कुएं में कूद गए, लेकिन वो खुद को वहां पे भी बचा नहीं पाए। कंटिन्यू 20 मिनट में चली हुई गोलियों में कम से कम हजारों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इंसानियत को शर्मनाक करने वाला हादसा उस वक्त जनरल डायर और माइकल ओ डायर इन्होंने किया था। उसी जालियांवाला बाग में 20 साल का एक लड़का था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह, जो उस मीटिंग में आए हुए उस सभा में आए हुए लोगों को पानी पिलाने का काम करता था। लेकिन जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ तो जितने भी जख्मी लोग थे उन्हें वो पानी पिलाने का काम करने लगा। और उसी वक्त जालियांवाला बाग के उसी मैदान पे सरदार उधम सिंह ने एक शपथ ली कि मैं इस घटना का बदला जरूर लूंगा, जो भी इस घटना का रिस्पॉन्सिबल है उसे मैं एक दिन जरूर मारूंगा। जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद में जनरल डायर की तो मौत हो जाती है, लेकिन माइकल वो डायर वो अभी भी जिंदा होता है, जिसे मारने का संकल्प सरदार उधम सिंह ने बहुत ही पहले लिया था। और वहीं से सरदार उधम सिंह की जर्नी शुरू हो जाती है। 20 साल तक उनका एक ही संकल्प था कि उन्हें माइकल वो डायर को मारना है। 20 साल के कड़ी इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ गया। 1940 को डायर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वहीं पे सरदार उधम सिंह ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 20 साल के कड़ी इंतजार के बाद उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। जालियांवाला बाग में अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने मरते देख उन्होंने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्हें 20 साल लग गए। उन 20 सालों में उनका ध्यान सिर्फ एक ही था कि मुझे जालियांवाला बाग का बदला लेना है। और आखिरकार उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया, डायर को 2 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, और उसी हत्या के अपराध में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। कुछ इस तरीके से सरदार उधम सिंह ने अपने शहीद भाइयों की मौत का बदला जो है वो अंग्रेजों से लिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है कि 20 साल तक आपका एक ही संकल्प रहेगा कि आपको उस चीज का बदला लेना है, अपने देश में जो इतना बड़ा कांड जो है वो अंग्रेजों ने किया उसका बदला लेना है। और सरदार उधम सिंह ने शहीद होकर उनसे वो बदला ले भी लिया। तो इसी इंसिडेंट पे बेस्ड है सरदार उधम ये मूवी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विकी कौशल जो है वो सरदार उधम सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे, तो बात करें सबसे पहले विकी कौशल के एक्टिंग के बारे में, तो मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि मैं ये फिल्म देख रहा हूँ। मतलब मैं वो फिल्म देखते वक्त मैं उस फिल्म में इतना खो गया था कि मैं सच में उस इंसिडेंट को खुद जी रहा था। एक्सेलेंट एक्टिंग, एक्सेलेंट सिनेमाटोग्राफी, जो कुछ फिल्म में सीन्स दिखाए गए आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि आप जब फिल्म देखोगे तो स्टार्ट से लेकर एंड तक वो फिल्म आपको बांधे रखेगी। कुछ जगहों पे फिल्म जो वो थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जो एंड जो आएगा वो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा, आपके बॉडी पे पूरी तरह से गूज बम्स आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से डायरेक्टर ने या फिर विकी कौशल ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को
एक्सप्लेन किया है और उन सीन्स को बैक जाकर जो दिखाया गया है बहुत ही कमाल का है। वो सीन जब आप देखोगे तब आपको भी अंग्रेजों पे इतना गुस्सा आएगा कि जो किया सरदार उधम सिंह ने वो बहुत ही सही किया। ऐसी आवाज आपके दिल से अंदर से आएगी। सरदार उधम सिंह ने मैकियल और डायर को क्यों मारा, उसके पीछे क्या रीजन है, वो जो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो जानने के बाद तो आपके बॉडी पे गूज़बम्स आ जाएंगे और आपको गुस्सा भी आने लगेगा अंग्रेजों के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आखिर वाले सीन्स को दिखाया गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सरदार उधम सिंह की जर्नी जो है वो 1919 से शुरू होती है और 1940 में खत्म हो जाती है, यानी कि बीच में जो 20-21 साल का जो टाइम है वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में फिल्म की स्टोरी जो वो बार बार बाउंस होती है, यानी कि अगर 1919 का दिखाया तो डायरेक्टली 1922 दिखाया जाएगा, 1925 दिखाया जाएगा, 1928 दिखाया जाएगा, क्योंकि फिल्म जो वो 20 साल के गैप में बनी है। तो ऐसे में उन पीरियड्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स हो गए वही सीन्स को फिल्म में दिखाया गया है। और ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है कि 20 साल की स्टोरी में से आपको मेन स्टोरी निकाल कर आपको फिल्म बनानी होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टर और राइटर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो फिल्म की एक्टिंग, फिल्म का प्रेजेंटेशन, फिल्म का डायरेक्शन, म्यूजिक काफी अच्छा है। तो ऐसे में इस फिल्म को एक बेस्ट फिल्म कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, किसी भी फिल्म का जब रिव्यू किया जाता है तब उस फिल्म का ओवरऑल देखा जाता है, फिल्म की स्टोरी कैसी है, फिल्म की एक्टिंग कैसी है, फिल्म का डायरेक्शन कैसा है, कैसी सिनेमेटोग्राफी है, और उसमें बहुत से कुछ गलतियां भी हो जाती है जो हम वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिल्म की स्टोरी भी आउटस्टैंडिंग है, फिल्म का डायरेक्शन भी आउटस्टैंडिंग है और विकी कौशल एक बेहतरीन एक्टर है, उनकी एक्टिंग पे भी कोई शक नहीं किया जा सकता। ये फिल्म जो वो कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाती है लेकिन वो टाइम आपका एंड में पूरी तरह से वसूल हो जाता है। इसलिए फिल्म में कोई नेगेटिव पॉइंट बताने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमें हमारे देश का जो इतिहास है वो हमें पता होना चाहिए, तो ये फिल्म आप जरूर देखना। वैसे भी अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे, ये दो दिन में आप ये फिल्म को देख सकते हो। तो दोस्तों, फिल्म काफी आउटस्टैंडिंग है, इस फिल्म को आप जरूर देखना। मेरा इस फिल्म से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे नए मूवीज के रिव्यू आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Catch a bride.